Hello my dear students, welcome to the class of mathematics by Maninder Singh Sidhu. And today we are about to start a new chapter of class 12th mathematics, that is linear programming problems. Linear programming problems jo hai ye kafi important chapter hai, isme se ek straight away 6 marks ka question aata hai boards mein. To kafi important hai, let's begin with this. And first question, we have maximize and minimize दिस फंक्शन. इसको हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं. हमें इसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, दोनों करना है. एंड सब्जेक्ट टू द कॉन्स्ट्रेंट्स. कॉन्स्ट्रेंट्स का मतलब होता है कंडीशंस, या आप कह सकते हैं रिस्ट्रिक्शंस. सो हियर आर द रिस्ट्रिक्शंस ऑन एक्स एंड वाई. कि एक्स प्लस टू वाई जो है इट मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 10, एंड 3x प्लस वाई मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 20, एंड एक्स एंड वाई बोथ मस्ट बी पॉजिटिव. तो ये कॉन्स्ट्रेंट है, इसके अकॉर्डिंग हमें x एंड y की कोई ऐसी वैल्यूज फाइंड करनी है जिससे ये फंक्शन मैक्सिमाइज हो सके, और वो वैल्यूज भी फाइंड करनी है जिससे मिनिमाइज भी हो सके. जनरली क्वेश्चन में सिर्फ एक ही चीज पूछी जाती है, आइदर टू मैक्सिमाइज और टू मिनिमाइज. तो अभी मैंने इस क्वेश्चन में, क्योंकि एक बड़ा जनरल सा क्वेश्चन है, तो मैंने दोनों चीजें एक साथ ले ली है इसमें. तो लेट्स बिगिन. देखिए, ये इनइक्वालिटी वाली इक्वेशंस है, इनको ग्राफिकली करना पड़ेगा. ग्राफ कैसे बनाते हैं वो ऑलरेडी आपने 11th क्लास में सीखा हुआ है, फिर भी मैं एक बार दोबारा बता रहा हूं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू कंसिडर कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन अकॉर्डिंग टू दिस. सो दिस इज अ कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन. सो नाउ आई एम गोइंग टू हैव एटलीस्ट टू सॉल्यूशंस. At least two solutions I want. And solution लेने का सबसे best way है कि एक बार आप x को 0 put करिए, then you will see कि y की value जो है वो 5 आ रही है, और दूसरी बार y को 0 put करिए, then you can see कि x की value 10 आ रही है. So now I am going to plot this line on graph. देखिए, मुझे एक चीज यहां से क्लियर हो गई है कि मुझे at least x axis पे 10 units तो दिखाने ही है. Moreover, I know this कि x and y पॉजिटिव है, जीरो से बड़े हैं यानी पॉजिटिव है. तो x एंड y दोनों पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, राइट. तो दैट मींस मुझे ग्राफ का जो मेजर पोर्शन चाहिए वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का चाहिए, बाकी सेकंड थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ. सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and do we need? Yes, we need 20 also. But हम इसकी एक काम करते हैं, यहाँ पे जो स्केल है, स्केल को मैं 22 के स्क्वायर में इसको कन्वर्ट कर दूंगा. तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, and now I'm going to erase the chapter name. Chapter तो हमें पता चली चुका है कौन सा चल रहा है, right? तो 20 here I'm taking 1, 1 का gap. So this is x axis, this is y axis, this is x dash and y dash. So first point is x0, y5 is this point, and then x10 y0 is this point. So I'm going to join these two points. So here we have the graph of the equation x plus 2y equals to 10. Now this is actually the line representing this equation, but actual mein hamare paas to in equation hai na. Ab in equation ka solution kahan pe hota hai, ye aapne pehle se padha hua hai 11th mein. इन इक्वेशन का सोल्यूशन लाइन के किसी एक साइड पे होता है, आइदर ओरिजिन वाली साइड या दूसरी वाली साइड इस केस में. तो अब हमें टेस्टिंग पॉइंट लेना होगा, यू माइट रिमेम्बर दैट. तो मैं इस केस में टेस्टिंग करता हूं 0, 0 की. 0, 0 को मैं इन इक्वेशन में पुट करूंगा. सो आप देख सकते हैं 0 + 2 × 0, 0 ही बनेगा. तो ये 0 < 10 आएगा, विच इज ट्रू. 0 < 10 होता है, ट्रू है. तो दैट मींस जो टेस्टिंग पॉइंट मैंने पुट किया था वो ये था, और टेस्टिंग पॉइंट पुट करने पे ट्रू आ रहा है. दैट मींस टेस्टिंग पॉइंट जो है वो लाइन के उस साइड है जहां पे सॉल्यूशन है लाइन का. दैट मींस लाइन का सॉल्यूशन किस साइड है? ओरिजिन वाली साइड. तो अभी मैं शेड नहीं कर रहा हूं, मैं जस्ट मार्क कर रहा हूं, ठीक है. जब बाकी की लाइन्स भी मैं प्लॉट कर लूंगा उसके बाद मैं शेड करूंगा. नाउ आई एम गोइंग टू
consider the next corresponding equation. So again, I'm going to take just 2 points. So when I take x equal to 0, so in that case, what do we get? We get y is equal to 20, and when we take y equal to 0, we get 20 by 3, that is 6.67. So x0, y20 is this, and 6.67 will be around here. So main isko join kar deta hu. So ye maine line plot kar liya, is line pe main iski equation likh dunga, 3x plus 2y equal to 20. Ab is line mein bhi testing point mein hai, 0, 0 ही पुट कर रहा हूं, बिकॉज 0, 0 से लाइन पास नहीं हो रही है. टेस्टिंग पॉइंट कभी भी वो नहीं होना चाहिए जिससे लाइन पास हो रही हो, ठीक है. तो मैं अगर इसमें 0 and 0 पुट करता हूं, तो यहां पे आ जाएगा 0 plus 0, विच इज 0, लेस देन 20, और ये भी ट्रू है. सो दैट मीन्स इस लाइन का टेस्टिंग पॉइंट वाली साइड पे ही सोल्यूशन है, यानी इस लाइन का सोल्यूशन इस साइड पे आ जाएगा, राइट. और इसके बाद दिया हुआ है x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0. अब x पॉजिटिव किस साइड होता है? लेफ्ट साइड, तो इस एक्सिस के इस साइड है. और y भी ग्रेटर देन 0 है, y ग्रेटर देन 0 होता है अपवर्ड डायरेक्शन में. तो कौन सा शेडेड रीजन है जो कॉमन है? देखिए, इस लाइन के डाउनवर्ड है, इस लाइन के भी डाउनवर्ड है, जबकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में. सो क्लियरली वी कैन सी दैट कि ये शेडेड रीजन है. So this is the shaded region. मुझे यहां पे स्केल भी लिखना पड़ेगा ऑन एक्स एक्सिस. अगर मैं नॉर्मल जो ग्राफ पेपर आते हैं उसके अकॉर्डिंग चलू, तो वो 1 centimeter के गैप होते हैं, राइट. तो जो 1 centimeter एक्स एक्सिस पे, उसे मैंने 1 unit लिया है. एंड वॉट अबाउट वाई एक्सिस? वाई एक्सिस पे जो 1 centimeter का गैप है, आई हैव टेकन इट एज 2 units. दिस इज अ स्केल. ओके, हमारे पास स्केल आ गया, ग्राफ आ गया, शेडेड रीजन भी आ गया. शेडेड रीजन को हम फिजिबल रीजन भी बोलते हैं. अब मैं क्या करूंगा, इस पूरे फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स मार्क करूंगा. वन ऑफ द कॉर्नर पॉइंट इज ए, देन दिस वन इज बी, लेट इट बी बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी. नाउ आई नीड कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल द कॉर्नर पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल द कॉर्नर पॉइंट्स. तो मैं यहां पे एक टेबल बनाने वाला हूं. ये आपको ग्राफ के बाद करना है, राइट. जब आप ग्राफ बना चुके हैं, जब आपके पास कॉर्नर पॉइंट आ गए, उसके बाद दिस इज अ प्रोसेस. सो हेयर आई एम गोइंग टू राइट कॉर्नर पॉइंट्स, एंड हेयर आई एम गोइंग टू राइट द वैल्यू जेड. जेड इज 3x plus 2y. तो ये मेरे पास जेड भी आ गया. कॉर्नर पॉइंट सब कौन कौन से मैं मार्क करता हूं. सबसे पहले ए है. ए के पॉइंट्स जो आप देख सकते हैं 0, 0 है. अब मैं ये 0, 0 एक्स एंड वाई की जगह पे पुट करूंगा, तो आप देख सकते हैं जेड की वैल्यू 0 आ रही है. अब मैं बी के पॉइंट्स लूंगा. बी के कोऑर्डिनेट 6.67 जो आया था वो 20 by 3 था, तो मैं यहां पे 20 by 3 ही ले रहा हूं, कॉमा 0. तो इफ आई सब्स्टिट्यूट 20 by 3 हियर, 20 by 3, तो 3 से 3 कटेगा, 20 बचेगा, और यहां पे मैंने 0 पुट किया, तो z की वैल्यू 20 आ गई है. तो सिंपली यू हैव टू पुट x की जगह पे 20 by 3 एंड y की जगह पे 0, ये यहां पे मैंने पुट किया. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज c. देखिए बेटा, c जो है वो आपको ग्राफ से देख के पता चल जाएगा, जब अगर आप एक्चुअल ग्राफ पे बनाएंगे. बट स्टिल मैं चाहूंगा कि आप ग्राफ से देख के नहीं, आप, क्योंकि आपको मालूम है ये दोनों इक्वेशन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो इट्स बेटर कि आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लें, जैसे आप 10th क्लास में करते थे, तो एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हो. एंड मैं यहां से देख सकता हूं कि अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, देन वी आर गेटिंग 6. सो वी आर गेटिंग 6.2. सो 6.2 आप देख सकते हैं इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई भी कर रहा है. 6, 2 पुट करते हैं 10 आता है, यहां पे भी 6 और 2 पुट करते हैं तो 10 आता है. तो यहां पे 6.2 आएगा. तो अगर मैं 6.2 पुट करता हूं यहां पे 6, तो ये बन जाएगा 18, यहां पे 2 तो ये बन जाएगा 22. ये आ गया C के केस में Z की वैल्यू. एंड लास्ट पॉइंट पॉइंट इज D. D के कोऑर्डिनेट हमने कौन से लिए थे? ये रहे D के कोऑर्डिनेट 0.5. सो अगर मैं यहां पे 0.5 पुट करता हूं, 0 and 5, 5 to the 10 बन जाएगा. तो ये कॉर्नर पॉइंट पुट करने में मेरे पास जेड की वैल्यूज आ गई है. अब मुझे इस क्वेश्चन में मैक्सिमम वैल्यू भी बतानी है और मिनिमम भी बतानी है कि कब हो रही है.
ठीक है, मुझे इसे सॉल्व करना है, मैक्सिमाइज करना है। तो जेड की वैल्यू मैक्सिमम आप देख सकते हो ये है, सो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू एंड दिस इज द मिनिमम वैल्यू। तो अब मैं इसका सॉल्यूशन लिख दूंगा, कैसे लिखेंगे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इज 22, और वो कब है, 22 कब आई है, जब x की वैल्यू 6 एंड y की वैल्यू 2 थी। तो ये सॉल्यूशन है। इसके अलावा मैं लिखूंगा कि मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज 0, और वो कब है, जब x भी 0 है और y भी 0 है। तो इस तरह हमें सॉल्यूशन को रिपोर्ट करना होगा किसी भी प्रॉब्लम में। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। So in next question, we are required to maximize z, and where z is minus x plus 2y subject to constraints, and the constraints are given to us like x greater than equal to 3. This is the first constraint. The second one is x plus y greater than equals to 5, and the third constraint is x plus 2y greater than equal to 6, and after that we have y greater than equal to 0. So these all are the constraints that we are having in this problem. So chaliye start karte hain is question ko. Sabse pehle मैं ये एक प्रॉपर इक्वेशन दिख रही है जिसमें x एंड y दोनों है, तो इन दोनों को मैं इनके कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन कंसिडर करूंगा, देन आई एम गोइंग टू टेक द सॉल्यूशंस एनी टू। सो इफ वी टेक x इक्वल टू 0 वी गेट y इक्वल्स टू 5, सो इफ आई टेक y इक्वल टू 0 वी गेट x इक्वल टू 5। तो मैं इसको y ग्रेटर देन 0 यानी ऊपर वाली साइड पे और x ग्रेटर देन 3 है, तो यानी ये भी सॉल्यूशन जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आने वाला है। मुझे मैक्सिमम 6 तक का पॉइंट चाहिए, तो ज्यादा पॉइंट्स की जरूरत नहीं है, तो इतने साइज का ग्राफ विल बी ऑप्टिमम। तो ये x है, ये x डैश है, दिस इज y डैश ओरिजिन एंड दिस इज y। नाउ फर्स्ट लाइन 0,5 इज दिस पॉइंट एंड 5,0 इज दिस पॉइंट। सो आई एम गोइंग टू जॉइन दीज टू पॉइंट्स एंड हियर आई गेट द line of the equation x plus y equals to 5। टेस्टिंग पॉइंट हम ओरिजिन को ले रहे हैं क्योंकि ओरिजिन से लाइन पास नहीं हो रही है, और ओरिजिन जो है सबसे इजी वे होता है कैलकुलेट करने का, बिकॉज जीरो से मल्टीप्लाई करना तो बड़ा ही आसान होता है ना, सोचना ही नहीं पड़ता कुछ। सो नाउ इन दिस केस वी कैन सी, अगर मैं x एंड y दोनों की जगह पे 0 डालता हूं तो यहां से आ जाता है 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 विच इज फॉल्स। So what does that mean? That means origin जो है इस लाइन के सोल्यूशन वाली डायरेक्शन में नहीं है, तो that means इस लाइन का सोल्यूशन इस साइड नहीं है, अवे है, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। आई विल जस्ट मार्क हियर कि मुझे याद रहे, भूल ना जाए बाद में। सो आई एम गोइंग टू टेक द नेक्स्ट इक्वेशन। सो आई एम गोइंग टू कंसिडर एक्स प्लस टू वाई इक्वल्स टू 6। इन दिस केस अगर मैं x को 0 पुट करता हूं, देन वी गेट y इक्वल्स टू 3। अगर मैं y को 0 पुट करता हूं, आई गेट x इक्वल टू 6। सो 0,3 इज द फर्स्ट पॉइंट हियर एंड 6,0 दैट इज दिस पॉइंट। दीज टू पॉइंट्स जॉइन ऑन जॉइनिंग दीज टू पॉइंट्स विल गेट द लाइन x प्लस 2y इक्वल्स टू 6। सो नाउ आई हैव बोथ द इक्वेशंस ऑन ग्राफ। इस लाइन का भी मैं टेस्टिंग पॉइंट ले लेता हूं। I'm going to consider testing point as 0, 0, 0, 0 is side way. So let's see, अगर मैं इसमें 0,0 डालता हूं, then we get 0 plus 0 which is 0 greater than 6. Again this is false. तो false आने का मतलब है कि इस line में भी origin जो है वो solution region में नहीं है. So that means testing point से हमें पता चल गया the solution is away from the origin.
राइट। नाउ वन मोर लाइन वी हैव टू ड्रॉ, एक्स ग्रेटर देन 3। नाउ पहले इसके लिए मुझे एक्स इक्वल टू 3 की लाइन बनानी पड़ेगी। वी ऑल नो दैट, पहले भी हमने पढ़ा हुआ है कि एक्स इज इक्वल टू समथिंग टाइप की जितनी भी लाइंस होती हैं वो वाई एक्सिस के पैरेलल होती है, और एक्स इज इक्वल टू समथिंग टाइप की जितनी भी लाइंस है वो एक्स के पैरेलल होती है। तो ये जो लाइन होगी एक्स इक्वल टू 3 दैट विल बी पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड पासिंग थ्रू एक्स इक्वल टू 3, यहां से पास होगी ऐसे और पैरेलल टू वाई एक्सिस जाएगी। आई एम सॉरी अगर पैरेलल नहीं लग रहा था, थोड़ा बहुत बेटर है। सो ये लाइन है x इक्वल टू 3, एंड सिंस इट्स गिवन दैट कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 होनी चाहिए, तो ऑटोमेटिकली इसमें टेस्टिंग पॉइंट की जरूरत नहीं है, हमें सीधा ही पता चल रहा है कि ग्रेटर देन 3 तो राइट में ही होगा, तो राइट साइड में। नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ द शेडेड रीजन, द कॉमन शेडेड रीजन। देखिए इस लाइन के इस साइड है राइट में, और हमें y ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, यानी अपवर्ड है, तो दैट मीन्स यहां कहीं होगा रीजन, ठीक है। तो अब ये वाली जो लाइन है, ये लाइन इसके भी अपवर्ड है और इस लाइन के भी अपवर्ड है, तो क्लियरली वी कैन सी दैट द शेडेड रीजन इज दिस। दैट मींस इन दिस केस वी हैव फाउंड दैट कि इसका शेडेड रीजन जो है वो अनबाउंडेड है, यानी इसको 4 लाइंस या 5 लाइंस या 2 लाइंस बाउंड नहीं कर पा रही है, अनबाउंडेड इनफाइनाइटली जाते ही जा रहा है। जो लास्ट केस हमने किया था उसमें शेडेड रीजन अनबाउंडेड नहीं था, बाउंडेड था, तो वो आपने देखा था एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बन गया था, उसी में शेड हो गया था, मगर ये अनबाउंडेड है। अब अगर अनबाउंडेड हो तो हमारी प्रॉब्लम थोड़ी सी बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू ड्रॉ द कॉर्नर पॉइंट टेबल, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, एंड देन I'm going to write the values of z. z जो है इस केस में माइनस एक्स प्लस टू वाई, ठीक है। तो कॉर्नर पॉइंट्स को मैं मार्क कर देता हूं। I have here a, I have b, and then I have a point c. तो ये सारे पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी मुझे, ठीक है। सबसे पहले a, a कौन सा पॉइंट लग रहा है? a is the point of intersection of this line and this line, right? ये वाली लाइन है। इसमें अगर मैं x इक्वल टू 3 पुट कर देता हूं तो वी गेट y इक्वल टू 2, सो दैट मींस a के कोऑर्डिनेट 3, 2। आप ग्राफ से भी रीड कर सकते हैं जब आप ग्राफ पे प्रॉपरली बनाएंगे, और अदरवाइज यू कैन सिंपली सॉल्व द इक्वेशन। सो 3, 2 पुट करने पे मेरा जो आंसर आ रहा है, यहां पे 3 डालूंगा, यहां पे 2 डालूंगा, तो -3 + 4 विल बी 1। तो ये z इक्वल टू 1 आया। अब मैं B पॉइंट लूंगा। नाउ B पॉइंट इज एक्चुअली द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन एंड दिस लाइन। तो एक लाइन है x प्लस 2y इक्वल टू 6 और दूसरी है x प्लस y इक्वल टू 5। एलिमिनेशन मेथड से अगर हम सॉल्व करते हैं तो y इक्वल्स टू, सॉरी लाइंस में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, y इक्वल्स टू 1 आ रहा है। y को अगर मैं 1 पुट करता हूं तो ऑब्वियसली x की वैल्यू 4 आ जाएगी, एक्स 4 वाई 1, सो 4, 1। तो यहां पे मैं 4 पुट करूंगा, यहां पे 1, तो ये बनेगा -4 + 2 विच इज -2। एंड लेट्स मूव टू आवर थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट जो है वो बहुत इजी टू फाइंड है, क्योंकि हमने खुद ही अभी ये फाइंड किया था, इसके कोऑर्डिनेट है 6, 0, राइट, 6, 0 भी था। तो 6, 0 अगर मैं 6 और 0 पुट करता हूं, देन आई कैन सी कि z की वैल्यू आ रही है -6। हमें क्वेश्चन में करना क्या है, हमें मैक्सिमाइज करना है z को, तो अभी फिलहाल तो मैक्सिमम यही दिख रहा है इन तीनों वैल्यूज में, ठीक है। ये अनबाउंडेड रीजन है, तीन ही पॉइंट्स आए हैं, बट व्हाट इज द गारंटी कि 1 जो है ये मैक्सिमम वैल्यू ही रहेगी? हु नोज कि शेडेड रीजन में कहीं दूर जाके कोई ऐसा पॉइंट भी आ जाए जिसे पुट करने पे z की प्लेस पे आपकी जो z की वैल्यू है वो 1 से बड़ी आ जाए। सो दैट मीन जब भी शेडेड रीजन अनबाउंडेड होगा और आपसे मैक्सिमम वैल्यू के बारे में पूछा जाएगा, मैक्सिमम, तो मैक्सिमम तो हो सकता है आगे जाके कहीं और भी आ जाए, तो आप इस तरह से नहीं फाइंड कर पाएंगे फिर मैक्सिमम वैल्यू। अब हमारी ये प्रॉब्लम थोड़े अगले लेवल पे चली गई है, तो चलिए अब इसका अगला लेवल कैसे सॉल्व कर रहे हैं वो मैं अब आपको बताने वाला हूं। So now, till now,
टिल नाउ व्हाट वी हैव गॉट, वी हैव गॉट कि z की वैल्यू जो 1 आई है वही मैक्सिमम है, ठीक है। तो मैं कंसिडर कर रहा हूं कि ये जो ये आपके पास z था ना, z इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू वाई, ये था z। तो मैं z की जगह पे अगर 1 डालूंगा तो व्हाट आई वांट कि मेरे को 1 से बड़ा सॉल्यूशन मिल पाए, 1 से बड़ा सॉल्यूशन, ठीक है ना। यही मैं जानना चाहता हूं ना कि 1 से बड़ा सॉल्यूशन है या नहीं है। तो क्योंकि मुझे मैक्सिमाइज करना है तो आई वांट कि 1 से भी बड़ा सॉल्यूशन मिल सके, तो मैं इसलिए इसे ग्रेटर देन 1 पुट कर रहा हूं। इक्वल टू 1 नहीं डालूंगा यहां पे, इक्वल टू का साइन नहीं डालना, बिकॉज 1 तो ऑलरेडी हमें मिली हुई है, हमें 1 से बड़ी वैल्यू चाहिए। अब मैं इसका ग्राफ प्लॉट करने वाला हूं। कंसिडर कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन, इक्वेशन यानी यहां पे इक्वालिटी का साइन आ जाएगा। अब मैं इसका इसके सॉल्यूशंस ले लेता हूं दो। सो एक्स को जीरो पुट करने पे वाई आता है 0.5, और वाई को जीरो पुट करने पे एक्स आता है -1। तो चलिए इन पॉइंट्स को पहले मैं प्लॉट करता हूं। एक्स जीरो वाई 0.5, एक्स जीरो वाई 0.5 इज दिस पॉइंट, राइट। नाउ नेक्स्ट इज एक्स माइनस वन वाई जीरो, एक्स माइनस वन मुझे थोड़ा सा इस साइड आना पड़ेगा, सो ये होगा x माइनस वन और y जीरो, ठीक है। तो ये इसकी प्लॉट करेंगे लाइन। अब आपको याद होगा 11th में आपको बताया गया था कि जब भी इक्वल टू का साइन नहीं होता तो उसकी जब आप लाइन ड्रॉ करते हैं वो डॉटेड लाइन बनानी होती है, डॉटेड लाइन, ठीक है। तो अब मैं इसका टेस्टिंग पॉइंट लेके सॉल्यूशन पता लगाता हूं किस साइड है। तो आई एम गोइंग टू टेस्ट 0 0 हियर, ठीक है। अब मैं 0 0 फाइंड करूंगा, इस पे पुट करता हूं यहां पे, तो ये आता है 0 greater than 1, 0 and 0 पुट करके, विच इज एब्सोल्युटली फॉल्स। तो दैट मींस इस लाइन का जो सॉल्यूशन है वो ओरिजिन की साइन ये अवे है। नाउ द रूल इज, अगर इस डॉटेड लाइन का जो सॉल्यूशन है उसका जरा सा भी पार्ट शेडेड रीजन के साथ कॉमन हो गया, तो इन दैट केस देयर विल बी नो सॉल्यूशन, आप मैक्सिमम वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी एक पॉइंट भी कॉमन ना हो इसके सॉल्यूशन और इस शेडेड रीजन में, तो इन दैट केस आप कह सकते हो कि ये जो वैल्यू आई है यही मैक्सिमम वैल्यू है। तो अभी अभी क्या आ रहा है कि इसका शेडेड रीजन है ये सारा अगर आप शेड करते जाएंगे तो क्लियरली आप देख रहे हो यहां पे कॉमन रीजन आ गया, फिजिबल रीजन, और इस लाइन के सॉल्यूशन में। तो अगर यू कैन फाइंड द कॉमन, एटलीस्ट वन कॉमन सॉल्यूशन, वन कॉमन पॉइंट ऑफ द डॉटेड लाइन एंड द शेडेड रीजन जो आपने पहले से बनाया था, कुछ भी कॉमन आ गया अगर उन दोनों में, तो इन दैट केस आप कहेंगे कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू अवेलेबल नहीं है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं बताई जा सकती, ठीक है। अगर वैसे इस केस में अगर मिनिमम वैल्यू भी पूछ ली जाती तो मिनिमम के केस में मैं -6 से छोटा पुट करता, बट इन दैट केस सिनेरियो वुड हैव चेंज्ड। तो अभी लेट्स स्टिक टू दिस ओनली। तो यहां पे अब मैं कहूंगा द आंसर टू बी रिपोर्टेड इज, सिंस -x + 2y > 1 has some region, some solution region common with क्या बोलते हैं वो shaded region को, feasible region के साथ कुछ point common है, that means मैक्सिमम वैल्यू इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड। तो मैक्सिमम वैल्यू आप फाइंड नहीं कर पाएंगे इस केस में, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। मैं आपको थोड़े से और सिनेरियो दिखाता हूं इसी में ही। मान लीजिए शेडेड लाइन इस टाइप की आ जाती, ऐसे ये होती शेडेड लाइन, और इसका शेडेड लाइन का सॉल्यूशन होता इस साइड,
देन यू कुड सी कि इस लाइन का शेडेड रीजन और वो वाला शेडेड रीजन में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ऐसे केस में सोल्यूशन पॉसिबल था मैक्सिमम या मिनिमम जो भी कर रहा हूं। बट अगर इस डॉटेड लाइन का शेडेड रीजन उस साइड हो जाता तो फिर से आप देख सकते थे कि कुछ कॉमन रीजन आ गया है दोनों में। तो जब भी डॉटेड वाली जो लाइन आप बनाएंगे उसका कुछ भी रीजन अगर कॉमन हुआ आपके प्रीवियसली शेडेड रीजन से, तो इन दैट केस मैक्सिमम या मिनिमम जो भी वैल्यू पूछी गई है यू कैन नॉट फाइंड दैट वैल्यू, राइट। तो कुछ भी डॉटेड लाइन में और वो शेडेड लाइन में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए अगर आप मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। एंड वंस मोर आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू, ये वाले केस सिर्फ अनबाउंडेड रीजन वालों में ही करने हैं, अगर बाउंडेड रीजन है तो ये करने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी में इस टाइप का क्वेश्चन है, दिस इज एक्चुअली अ क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी ओनली। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे कैसे सॉल्व करने हैं। हमने बाउंडेड रीजन वाला केस भी ले लिया, अनबाउंडेड रीजन वाला केस भी ले लिया, तो अब आप सॉल्व करना जानते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन कैसे करने हैं। देखिए इन क्वेश्चन में आपको इक्वेशन पहले से ही दे रखी थी, बस आपने उनको ग्राफ पे प्लॉट किया एंड देन ये टेबल बनाया और उसके बाद मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड कर ली। बट जो क्वेश्चंस एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं, इन दोज क्वेश्चंस आपको वर्ड प्रॉब्लम दी जाती है, यानी कि इक्वेशंस भी आपको पहले खुद ही बनानी होंगी एंड देन आफ्टर दैट यू विल हैव टू सॉल्व देम ऑल्सो यूजिंग ग्राफ। तो आई होप आपको ये सारा समझ आ गया होगा। तो ये हमने फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कवर कर लिया। कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।